अस्सलाम वालेकुम मनाल फूड व्लॉग इन इस्लामाबाद में खुश आमदीद। आज आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ देगी मटन बिरयानी की। बहुत स्पेशल रेसिपी है और बहुत इजी सिंपल बनती है। आपने 1.5 kg मटन ले लेना है, उसको एक पतीले में आप डाल दें और उसके बाद आपने 4-5 टमाटर ले लेने हैं, उसको रफरी कट करके ऐड कर देना है। हम ये सब चीज़ें इकट्ठी ऐड करेंगे। 2 teaspoon हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, हमने ज़ीरा पाउडर 1/2 teaspoon ले लिया है, 1 teaspoon भर के नमक का, 1/2 teaspoon मैंने हरा मिर्च ले ली है, 1/2 teaspoon मैंने हल्दी का ले लिया है, साबित गर्म मसाले ले लिए हैं, तेज़पात है, इसमें स्टार है, दालचीनी के पीस है और बड़ी इलायची है। उसके अलावा हमने लाल मिर्च पाउडर 1/2 teaspoon ले ली है और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे शान का बम्बई मसाले का 1 packet। और ये बहुत मज़े की बहुत इजी रेसिपी है, आप घर में भी देगी बिरयानी आसानी से बना सकते हैं। इस बिरयानी में सिंपल आप सब चीज़ें सारी इकट्ठी डालते हैं और उसको चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। अब हमने हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है, तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें थी, उसका पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है और शान का मैंने बम्बई मसाला इसमें 1 packet ऐड कर दिया है। 1 cup ऑयल ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें 1/2 cup दही का ऐड कर दूंगी और तकरीबन 3 glass पानी के भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसके बाद इसको मैं तकरीबन 40 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने छोड़ दूंगी ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए और इसमें एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। हमने इसमें पानी रहने देना है, ग्रेवी ज़्यादा हमने गाढ़ी नहीं करनी क्योंकि इस बिरयानी में ग्रेवी ज़रा पतली होती है। तो ये बहुत आसान रेसिपी है कराची बिरयानी की और ये आप घर में बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आपकी घर की बिरयानी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। अब हमने ढक के रख दिया है, तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हमारा गोश्त तकरीबन बहुत अच्छे से गल गया था और हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया था। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 1/2 cup दही का ले लिया है, दही में 1/2 teaspoon मैंने जर्दे का रंग मिक्स करके उसके कोरमे के ऊपर डाल दिया है। कोरमा हमने बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया है, ऊपर से जर्दे का रंग और दही वाला जर्दे का रंग ऐड कर दिया है। इसके ऊपर ये मसाले ऐड करेंगे, धनिया, पुदीना, ब्राउन प्याज और आलू बुखारा और 1 टमाटर का मिक्सचर बना के इसको हम बिरयानी का मसाला कहते हैं जो हमने दम के टाइम डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें सारे राइस ऐड कर देंगे इकट्ठे ही, ऊपर से 1/2 cup ऑयल ऐड कर देंगे और हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे तकरीबन 1/2 teaspoon और इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट बाद हमारी मज़ेदार सी जूसी बिरयानी देगी बिरयानी तैयार हो जाएगी और ये इतनी जूसी बनी थी और इतनी टेस्टफुल थी आप देख सकते हैं। और इसका गोश्त भी बहुत जूसी और गल चुका था। जब आपकी बिरयानी में गोश्त आपका टेंडर और गला हुआ होता है तो आपकी बिरयानी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन अगर गोश्त गला हुआ ना हो तो बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।